मेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड मैनू कहंदी नाना नाना। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और आज मैं बात करूंगी अपने पर्सनल फेवरेट टॉपिक पर, द निब्बाज एंड निब्बीज। मैंने सोचा कि कब तक हम आपको अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में, भाभी जी घर पर है की कहानी सुनाएंगे, कभी तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना होगा। तो चलो आज हम बात करेंगे हमारे देश के भविष्य के बारे में, मेरा मतलब कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे। लोग हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए। हे राम, ये क्या देख लिया, ये बच्चे हैं? यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर फिर भी मेरे घर वाले मुझे आज भी बच्ची समझते हैं, और इनके घर वाले देखो। मेरी नजर उस पे गई तो मेरे थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को वो लड़की पसंद है, तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि अच्छी लड़की है। मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन उसके पीछे घूम रहे थे और उसने भी मेरे को, वो भी मेरे को छुप छुप कर देख रही थी। क्या क्या क्या, ये लोग अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं? इस उम्र में मेरी मम्मी मुझे परियों की कहानी सुनाती थी और इन्हें देखो ये शायरी सुना रहे हैं। मेरी कहानी अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो सवार दो वरना बिगाड़ दो। अबे क्यों जलते हो मुझसे, क्या बीमारी है? अजी क्यों जलते हो मुझसे, क्या बीमारी है? तरक्की तो होनी थी मेरी, मेरे बाप ने साइकिल पे जिंदगी गुजारी है। इनको इस उम्र में शायरी की स्पेलिंग नहीं आती होगी और ये शायरी मार रहे हैं। भाई ध्यान से देखना भाई वीडियो को, कहीं तुम्हारा दिमाग इस क्यूटनेस को झेल ना पाए। हेलो ऑल गाइस, देखिए अभी आरएस क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं? अभी बैठ के एलोवेरा लगाए हैं फेस। एक मेरे घर के पास है निब्बा निब्बी, इनको कुछ भी समझाना तो समझो पत्थर पर अपना सर मारने जैसा है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। भाई ये लड़ जाते हैं, आपसे बोलते हैं आपको क्या पता क्या होता है सच्चा प्यार। हाँ बेटा हमें कैसे पता होगा, सारी समझ तो आपने ही ले ली है। मोदी जी हम लोगों ने भागकर शादी कर ली थी और आज हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है और आज को कर्फ्यू भी नहीं लगा हुआ है और मोदी जी के प्यार और सपोर्ट से हम लोग क्यूट कपल मिल गए हैं और बहुत ज्यादा वायरल भी हो गए, तो थैंक यू बोलेंगे मोदी सर को, थैंक यू। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये लोग अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते होंगे, चॉकलेट डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेने जाते होंगे तो ना दुकानदार भी इन्हें दो तीन टॉफी देके यही बोलता होगा, लो बेटा टॉफी भी खा लो। ये देखो इनके ब्लॉग्स। हेलो ऑल गाइस, मैं राजू, मैं और आप सभी लोग को हमारे ब्लॉग वीडियोस पे। तो गाइस लोग आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खास होगा, तो पूरे ब्लॉग पे तो लेट्स गेट। कितना मस्त स्टाइल है ना इनका अपनी वीडियो को स्टार्ट करने का, एक एक करके बोलना। अब से मैं भी ऐसे ही बोलने वाली हूँ, बच्चों से कुछ सीखना चाहिए ना। हम लोग जैसा ही क्यूट हो, हम लोग जैसा ही क्यूट। नहीं यार इतना मारेंगी ना मेरी मम्मी अगर मैंने इनसे कुछ भी सीखा तो, कहेंगी वहीं चली जा उनके साथ छपरी बना करने, मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो यार अब मैं भी चलती हूँ क्योंकि इससे ज्यादा प्यार तो अब मुझसे नहीं देखा जाएगा। सो बाय बाय एवरीवन, और हमें कमेंट करके वैसे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और देखते रहिए जेजन गॉसिप अड्डा।